हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, सुबह हो चुकी है और बज रहे हैं अभी 8:15। तो हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। मैं साड़ी पहन के नहीं जा रही थी, मेरे पास एक ही सूट है तो जा रही हूँ यही पहन के। और मैं दिखाती हूँ, मम्मी मेरी 5 बजे से उठी हुई, 5 बजे से, और 5 बजे से सिंदूर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा सा लग रहा है। ठीक है, 5 बजे से लगी है नाश्ता बनाने में कि लेके जाएंगे, वहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं। अब बाथरूम खुला हुआ, सब नहा क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे सुबह से लगी हुई है, 5 बजे से, सब बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और ये शॉपिंग रास्ता कर रहा हूँ, की बनवाई थी बैग कतर खड़ी पैक के रहा। ये सब्जी सब पूरा किचन कैसे फैला हुआ बताओ। सारा खाना हमने पैक कर दिया, इसमें दही की लस्सी तक बना पिछले बार वैसे दिया था। ये बोतल है दबा ठंडा मौका थी, लेबे की लेबे गरम भाज तो अपन सब मिल लोग गाड़ी में प्यास लगे ऑटोए में तेल गर्मी लगे पता लो पूरा खाना ना बना दे। और मेरी छोटी वाली बहन नहा रही, अभी हम साथ में जाएंगे। लेकिन चलो आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी सुबह 5 बजे से लगी आलू वाले, आलू का पराठा, फिर आलू का पराठा बनाई है, फिर सब्जी बनाई। देखो ये आलू उबाल के भी रखी है, और उसके बाद दही खुद ही जमाई थी, और फिर सादा वाला पराठा भी दिया, चाय बना के दी है। बस यही सब में लगी हुई है। तो हम जाएँगे तो फिर शाम को आएँगे। कथी गए कथी कथी अंदर मिला। अच्छा बाप, एक पैर लंगड़ा लंगड़ा के सारा कर। आज काम वाली नहीं आई, छुट्टी पे है, बोल दिए कल ही नहीं आऊँगी। तो आज आज इसका साफो मकर में अपने उस कमरे में सोए थे। इस कमरे की हालत देख लो, एक वही प्लेन बिलाम दे दी, तीन टा बोतल पानी पी के रहे थे माँ। कब तक बोतल पी रहे थे दोनों, नानी और नाती लगा हुआ है इसमें, नहीं जा रहे तो बने रही आप लोग। ये देखो जहाँ पे हमने आना था, आ चुके हैं। भीड़ देखिए ऐसे शॉपिंग करते हो। और ये मेरी छोटी वाली बहन, मुंह दिखा बेबी थोड़ा, ये ले, ये ले बोतल, मम्मी दूसरी वाली बोतल ले दो। ये देख फट गया नीचे से, बुढ़िया ले, हम पानी फेंक के दीजिए। ये देखो बच्चे आ ही रहे हैं, और शॉपिंग हो गया अभी ऊपर में। और ये हमारी छोटी वाली बहन, मैं आई हूँ। चलो अभी अंदर एंट्री हो रही है, फिर बाद में मिलता है। गेट बंद हो चुकी है, अब एंट्री कहीं खाली हो चुका है, देखिए जगह। और हमारी थोड़ा सा आप देखना कैसे बैठे, दृश्य देखिए कैसे हम लोग बैठे, लोग सब कहीं खड़े भी है, पता भी नहीं है कैसे लोग बैठे, जैसे लोग नहीं खाने आते हो में ऐसे बैठे। और बेबी इस टाइम बैंक में बैठी रहती है, और आज आई है यहाँ पेपर दिलवाने, तो आज यहाँ पे ये बैंक ही समझ। देखिए ये सब जगह पूरी खाली है, जहाँ जिसकी जगह मिल रहा है वहाँ सब बैठे हुए हैं। क्या करें, धूप इतनी है ना कि कहाँ बैठेंगे। अच्छा काट लिया, देखते कहीं जगह होगा बैठने का। ये एक झलक, जब बच्चों को पेपर दिलवाने आप आते हो, कहीं सुविधा नहीं होती बैठने का, तो आपके पास ऑप्शन होता है पार्क में, और ऐसे अपने बच्चों को लेके जहाँ कहाँ बैठो। ये सब में बैठा ये मेरी बहन, वो पूरे पार्क भरा हुआ देखो अगर आप, तो उधर देखो हर जगह बच्चे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। ये होता है कुछ हाल, और धूप इतनी है। हाँ, उधर एक भैया आई ए एस की पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोई ये सोसाइटी है, उसके आगे पार्क है, तो उधर ही हम लोग बैठे हैं। बस दूसरा एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है,
कुछ लोग तो बहुत दुकान से के आगे आगे बैठे हुए हैं। ये है हमारा, गर्मी भी लग रही है, बता नहीं सकती हूँ, धूप भी है, थोड़ा थोड़ा सा पत्ता वगैरह हिल से आगे ऊपर का दिखाएंगे, कभी हिल जाता थोड़ी सी ठंड लगती है, कभी बिल्कुल ऐसे धूप तेज निकल जाता है। तो बस अभी 4:30 बजे, बहुत टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, अभी तो 1:30 बजे है, खाना ना खा लिया बस बैठी मैं, और मैं कैसे बैठी हूँ यहाँ पेड़ पौधे के बीच में, थोड़ी सी हवा लगे, सबकी यही हालत है लगभग, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। तो जो जो लोग पेपर दिलवाने आते होंगे बच्चों को, ये तो ज़रूर अनुभव होगा, और ये अनुभव ज़रूर करना चाहिए सबको कि धूप में छाएँ हो, दुकान के आगे कहीं भी बैठना पड़ेगा आपको। अभी पानी लेके आई थी, उस भैया को पैसे भी नहीं दिए, उन्होंने बोले कि आके वापस नहीं देना, खुले नहीं है। बस चिड़िया उसकी आवाज़ सुन ली, दूसरा टर्म होगा, सोच रही यहीं थोड़ा सा बैठ के, मन कर रहा है कि बिस्तर दे दे और सो जाए, क्योंकि सुबह से ही उठे हुए हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी, घर बाहर पेपर जहाँ देने सेंटर सब मिला करके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेना। और दुख हम लोगों को है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मतलब पेपर दिलवाने आए हैं, और अगर थोड़ा सा एक नज़र आप लोग देखोगे इधर से, और ये दृष्टिकल ने आपने बोला था ना कि पानी पिलाने में दिक्कत होता है गोपाल जी को, तो मैं आपके लिए देखो ये क्या लेके आई, आप खोल के देखो सारा, देखो खोलो सारा, और क्या क्या है इसमें सब कुछ मुझे बताओ आप। ये चम्मच, हाँ, ये कटोरी इसमें मछली डालता है, हाँ, ये गिलास पानी पिलाने के लिए, हाँ, लड्डू गोपाल भी है, हाँ, और इसमें आप कुछ भी ज़्यादा करके जब प्रसादी देना हो ना, तब आप इसमें डाल सकते हो, और ये ना और भगवान की प्रसादी डालना है इसमें, ये लड्डू गोपाल का सारा ही है, ठीक है, और नहीं तो आप प्रसादी पानी और चम्मच ऐसे दे देना, उनको पिला देना, कैसा लगा? अच्छा। अब इससे पिलाओगे लड्डू गोपाल जी को? ये कल बोली थी और आज मैं गई तो मुझे अच्छी लगी, मुझे ये दिख गई, तब मैंने कहा कि इसके लिए इसको बहुत चम्मच से ऐसे पानी पिलाना है ना आप, चम्मच से खाना खिलाएंगे, हाँ, और पानी इसमें डाल के ऐसे पिलाएंगे। नहीं अभी लड्डू गोपाल छोटे हैं ना, तो आपको चम्मच से पानी भी पिलाना कि गिरेगा नहीं उनका, और एक गिलास भर के रख देना उनको, अच्छा लगा ना। कल मेरी प्यारी बेटी ने बोली थी मुझे ये वाला चाहिए, ये बोली नहीं थी चाहिए, इसने बोली थी पानी पिलाने में लड्डू गोपाल जी को दिक्कत होता है, आज मुझे दिख गया, इस पानी में पैकेट ना मम्मी को डाल दो। और ये अभी आई है मेरी बहन, दिखाती हूँ आपको कैसे, अरे कुछ नहीं होता है, और ये नहीं दे रही थी, ये चार, ये 4 बजे ही खाना आना बना करके और सारा रख चुकी है, बैठी हुई है, और इसको 10 बार मैंने बोली हूँ, ये अब आई है हमारे घर, आपको गिफ्ट मिल गया ना मम्मी के घर, मतलब मेरे से मिली, और ये अभी चली जाएगी तुरंत, बोली खाना बनाऊँगी खाना बनाऊँगी, तू ना कुछ तो बोल, हाय हेलो, मैं स्कूल का सामान लेने चली गई थी बेटी का, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। इसको मैं 5 बजे से इंतजार कर, दिखा क्या क्या लेके आई है, दृष्टि लेके अपना बैग यूनिफॉर्म, इसका एडमिशन करवाई एक नया स्कूल में, और ये देखो क्या क्या लेके, ओहो इसको दे दे, ये दिखा देगी अच्छी सबको, आप थोड़ा पीछे जाओ ना कैमरा में नहीं आ रही, हाँ हाँ, अब एक एक थोड़ा तेज बोलो बेटा, हाँ, कौन से स्कूल का नाम क्या है आपका, MM पब्लिक स्कूल, और ये शर्ट, हाँ, ये स्कर्ट बहुत प्यारी है, ब्लैक पे व्हाइट का जो पैंट है, नहीं डिवाइडर वाला होगा बेटा, नहीं स्कर्ट ही है, स्कर्ट है, क्योंकि वहाँ तो बहुत छोटा, नीचे सब दिखेगा, मैं नहीं पहन पाऊंगी, बेल्ट दिखाओ, और ये जूते आए हैं इसके, ये यूनिफॉर्म वाले, पहली बार स्कूल जा रही है, आप एक एक करके इसमें रख दो, और गिफ्ट मिला इसको, जूते रख दो, जूते, भगवान जी का कल से पूजा में पूरा लीन हो रहती है, आज तो स्कूल के लिए, आज तो सब कुछ इसको मिल गया, इसके भगवान जी का कभी मिल गया सामान, और जूते स्कूल का भी सब कुछ, कल से स्कूल जाएगी,
ये फिट आ गया था, वो थोड़ा बड़ा दे रहा था, ये मुझे फिट आया तभी मैंने जूता लिया। सेम ही है दोनों जूते, दोनों पैर तो सेम ही होंगे, अलग तो होंगे कि नहीं, दोनों जूते सेम। अब मम्मी रख देगी, आप छोड़ दो। कितने बजे स्कूल है इसका? सुबह 8 o'clock है ना दृष्टि? कल दृष्टि सारे पहन के एक फोटो खिंचवा लेना अच्छे से। सबसे पहले मेरा भाई जाएगा और फिर मेरे को मम्मी तैयार करेंगे, फिर मैं जाऊंगी। सबसे पहले मैं आऊंगी फिर मेरा भाई आएगा। चलो आपका सब कुछ हो गया। हाँ तो पूरा इसको भी हो गया और कल से दर्शिका भी जाएगी। हाँ न्यू सेक्शन दर्शिका का भी एडमिशन हो गया ना, दर्शिका का एडमिशन करवा दिया ना, और दर्शिका फर्स्ट में सोफिया मतलब अच्छे स्कूल में करवाया। सोफिया हाँ सोफिया गर्ल्स की स्कूल है। अंशित का खाली बॉयस है और लाडो का गर्ल्स है। मैं कैसा दृष्टि? चलो जी बने रहिए आप लोग।